नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। आपको जैसा कि मालूम है कि प्रथम चरण के मतदान को लेकर के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर दिया है और अभी हम जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा में मौजूद है। यहाँ पर कदमा बाजार में हम मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम चलते हैं, सीधे बात करेंगे। किसको मतदान करिएगा इस बार? जो अच्छा काम करेगा उसी को करेंगे मतदान। तो काम तो हो चुका है, 5 साल तक काम तो हुआ है, अब उसके आधार पर ही मतदान होगा ना? हाँ हाँ, यहाँ की सरकार बढ़िया काम की है, वर्तमान सरकार है उसी को वोट देंगे। वर्तमान सरकार को वोट करेंगे। आप किसको मतदान करेंगे अंकल? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को मतदान करेंगे? लेकिन विधानसभा का चुनाव है, उसका पार्टी को। आप किस मुद्दों पर मतदान करेंगे? वर्तमान सरकार के मुद्दे पर। वर्तमान सरकार के क्या मुद्दे होने चाहिए? बहुत सारा मुद्दा है। खुशहाल कर दिया पूरा जैकेट को। मतलब कमल पे वोटिंग करेंगे या सिलेंडर पे वोटिंग करेंगे? वर्तमान सरकार को वोटिंग करेंगे। वर्तमान सरकार को वोटिंग करेंगे, यानी कि इनका कहना है कि ये झामुमो को वोटिंग करेंगे। आप किसको मतदान करेंगे? हम मतदान तो करने के लिए तो सब यहाँ खड़ा है, तो हम लोग देखते हैं जो यहाँ काम कर रहा, जो अच्छा से हम लोग के लिए कुछ, यहाँ लोकल के लिए कुछ करेंगे और हम लोग भी सोचेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है। देखिए, पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें तो, अगर दो कैंडिडेट की बात करें तो पूर्वी से, माफ करिएगा, पश्चिम से कैंडिडेट जो है वो बन्ना गुप्ता खड़े हैं कम हाथ के साथ, और दूसरी ओर जो है सरयू राय खड़े हैं। तो इन दोनों में किसको मतदान करें? इसमें सरयू राय का तरफ मेरा। सरयू राय जी। आप लोग किसको मतदान करें? आपका तरफ से आपको नमस्कार सबसे पहले। और देखिए, अभी हम लोग जो भी बात किया दादा, हम लोग का, हम लोग सब सहमत उन्हीं के साथ में है। संजय, थैंक यू। आप किसको मतदान करेंगे? हम कांग्रेस को। क्यों? नहीं, वो अच्छा लगता है, हमारे लोकल है, हमारे घर के नजदीक में है, जो भी काम हो दिखने में आ रहे हैं हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम उसे क्या वर्तमान कांग्रेस ने काम किया है। हाँ, काम किया है, जो भी हमारे सामने में रोड नाला जो भी है, बिजली वगैरह जो भी है, जो देखने में आया है हमारे सामने में, इसीलिए हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम उसी को वोट करेंगे। आइए, अंदर एक चाचा है, दुकान में बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा, किसको वोट डालिएगा? अनुभव है, हम लोग जो वर्तमान सरकार है उन्हीं को हम लोग ढालेंगे। हाँ, और वो हम लोग का साथ संग भी करता है, इसलिए। लेकिन भाजपा तो बोल रही है कि वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया। नहीं नहीं, वो तो अपना अपना वो तो बोलेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग जो प्रेजेंट देख रहा है, ये जो हम लोग जो सरकार वर्तमान है वही सब अच्छा काम कर रहा है। वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रहा है, इसी के आधार पर जो है वोटिंग करेंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो अभी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। वोटर आईडी कार्ड बन गया है? हाँ, बना है। है? बना है। किसको वोट करेंगे? वोट देखिए, हम मेरा मतलब 1 साल हुआ है बना के, अभी देखते हैं। मतलब विधानसभा का चुनाव आ गया, मतदान का समय आ गया, तो किसको वोट डालेंगे? वोट जो अच्छा करेगा, अच्छा काम करेगा, वही इसी का देंगे। तो अच्छा काम नहीं हुआ है अभी तक? अच्छा काम और क्या हुआ है, देख ही तो रहे हैं जो हो रहा, मतलब हो रहा है। तो किसको मतदान करेंगे? मतलब 5 साल तक जो झामुमो की सरकार रही है उसने जो काम किया है उस पर मोदी को आदमी को ही मिलेगा, मोदी के आदमी को वोट मिलेगा। आप किसको मतदान करेंगे भैया? सोचेंगे। मतलब मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दों पर काम करने वाले को मतदान करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा, जो सबका अच्छा होगा वही अच्छा, सबका विकास, मेरा भी विकास। सबका विकास कौन कर रहा है? जो करेगा वही। यार क्या बोले, अब तो जिसको जो करना था वो तो कर गया, अब तो मतदान का समय है। मतदान का समय है, अब तो सीधा मतदान करना है। उसमें सोचेंगे, घर में निर्णय लेंगे, उसके बाद ही जो करेंगे। देखिए, मतदान करने से पहले घर में निर्णय लेंगे, उसके बाद मतदान करेंगे। भैया तो जानते हैं, भैया वोटिंग का समय आ गया, किसको वोट डालेंगे? ऐसी तो हम बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को? बीजेपी काम करती है? हाँ, पूरा दिल्ली से लेके बॉम्बे से सब जो है काम कर ही रहा। चलिए, बीजेपी को वोट करेंगे। भैया दो मिनट दीजिएगा, किसको मतदान करिएगा? हम लोग जेबी केसस। जेबी केसस को? जेबी किस केस का कौन प्रत्याशी है? खरसवा में तरुण महतो। तरुण, यहाँ पे भी एक भैया है, उनसे ही बात करते हैं। किसको मतदान करेंगे भैया? श्री बन्ना गुप्ता जी को।
पांच साल तक विधायक रहे, बन्ना गुप्ता मंत्री भी रहे, सरकार में कितना काम किया उन्होंने? काम बहुत बढ़िया किया है, नाला उला रोड सारा चीज जो हम लोग बोलते हैं करके देता है मंत्री बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, चलिए, इनका कहना है कि हम जो है बन्ना गुप्ता को मतदान करेंगे, उन्होंने काफी काम किया है, क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे हैं। यहाँ पे भी एक भैया, इनसे भी बात करते हैं। भैया, वोटिंग का समय आ गया, किसको मतदान करेंगे? जो अच्छा काम करे हम उसी को वोट देंगे। काम तो हो चुका है, अब तो मतदान का समय है, अब तो काम आपने जो एनालिसिस किया होगा उसके आधार पर ही वोट करेंगे ना? नहीं, हम काम देख के ही वोट दे कर रहे हैं। सर्जरी में जो हम देखेंगे, जो हमको शिक्षित लगेगा, पढ़ा लिखा होगा, काम करेगा, उसके लिए है। मतलब कहना चाहते हैं कि शिक्षित कैंडिडेट जो होगा, जो जो जनता के हित में काम करेगा, उसको वोट करेंगे। उसको वोट करेंगे। इनका कहना है कि जो शिक्षित होगा, जो जनता के हित में काम करेगा, हम उसको वोट करेंगे। हम आगे भी चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मत की राय क्या है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जी एम एम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in